ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पदभार संभाला है और एक अहम जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। ठीक इसी तरह सुबह से ही तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने पदभार को संभाल रहे हैं। आज से तो कैबिनेट का गठन हो चुका है, मोदी कैबिनेट का। मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर। दूरसंचार मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है और इस मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पदभार संभालते हुए कुछ अहम जिम्मेदारियों को वो पूरा करते नजर आएंगे और कुर्सी पर विराजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कई ऐसे मंत्री जिन्हें वही मंत्रालय दी गई जिसकी जिम्मेदारी पहले से ही थी उनके पास। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, लेकिन अब वो आपको दूर संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। वो पहुंच भी चुके हैं अपने दफ्तर और यहाँ पर अपने कार्य को भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मोदी 3.0 का हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना से चुनाव लड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बंपर वोटों से जीत हासिल की। मोदी मंत्रिमंडल में दूसरी बार उन्हें स्थान मिला है। इससे पहले भी वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। गुलदस्ता देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करते हुए यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं आसपास वो भी पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय उन्हें दिया गया है और थोड़ी देर में हो सकता है कि वो मीडिया से भी रूबरू हों, लेकिन सुबह से ही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एस जयशंकर जिन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही अश्विनी वैष्णव जिन्होंने रेल मंत्रालय का जो प्रभार है पदभार है वो संभाला। और अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। दूर संचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नजर आएंगे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी लेते हुए। ठीक ऐसे ही कई और भी चेहरे मध्य प्रदेश के जो अब आपको मंत्रालय में राजधानी में नजर आएंगे। इसमें शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है दूरसंचार मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा वीरेंद्र खटिक को भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही अगर बात करें हम धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग दिया गया है। कई ऐसे चेहरे बड़े नाम जिन्हें जो जिम्मेदारियां हैं वो दे दी गई हैं और अब उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तमाम मंत्री नेता नजर आ रहे हैं। संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी, हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं अपेक्षाएं हैं उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से
खड़े उतर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य जी। मुझे याद है 2008 में जब आपने मंत्री पद की शुरुआत की थी तो इसी विभाग के टेलीकॉम के एमओएस थे और अब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को और क्या प्राथमिकता होगी सर आपकी? ओके, इट्स माय इंडीड माय ऑनर दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन मी द। तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, दूर संचार विभाग की जो जिम्मेदारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर, और यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, इंटरनेट और विसिट सर्विस जैसी विभिन्न दूर संचार सेवाओं को लाइसेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की होती है। अंतर्राष्ट्रीय निकायों से घनिष्ठ स्थापित कर रेडियो संचार के क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी, अवैध कार्य कलापों को रोकना, दूरसंचार नेटवर्कों के अवैध कार्यों और अवैध प्रचालन पर नियंत्रण करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े मुद्दे सुलझाना, ये पता लगाने के उद्देश्य के साथ ही क्या मोबाइल सेवा प्रचालक कनेक्शन उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ता सत्यापन के लिए दूर संचार विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, वैश्विक कॉलिंग कार्ड अंतर्राष्ट्रीय सिमों आदि को बेचने के लिए अनापत्ति संबंधी मामले देखना, लाइसेंस दाता द्वारा जारी लाइसेंस शर्तों और जनहित में जारी किए गए दिशा निर्देशों के संबंध में लाइसेंस धारक द्वारा सेवा अनुपालन की जांच करना जैसे कई जरूरी जिम्मेदारियां इसी विभाग के कंधों पर होती हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विभाग को संभालते हुए आज से ही नजर आ रहे हैं। आपको जब बातचीत भी कर रहे थे उनका कहना था कि जो ये कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री का, उसमें एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और चलिए अब एक नजर तेज अंदाज खबरों पर। सीहोर में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत से उत्साह, 16 जून तक चलेगा अभियान, 20,000 लोगों ने किया श्रमदान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब आप देख रहे हैं तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब राजधानी में आपको नजर आएंगे। राजधानी में ये उनका विभाग कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जो है संभालते हुए नजर आएंगे। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्रालय को संभालते हुए नजर आए थे और अब आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान, जिनका स्वागत जो है किया गया है और अब गणेश जी की पूजा की जा रही है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उससे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जा रहा है। सर्वज्ञानी और सारे दुखों को हरने वाले और सुख प्रदान करने वाले श्री गणेश, जिनका आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, पूजा की जा रही है और एक बेहद खूबसूरत मूर्ति आप देख पा रहे होंगे जो एकदम ठीक बगल में कुर्सी के शिवराज सिंह चौहान के रखा हुआ है। इस मूर्ति की पूजा करते हुए हाथ जोड़कर नमन करते हुए, क्योंकि एक नए सफर की शुरुआत नए जिम्मेदारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंच गए हैं और मंत्रालय में इससे पहले वो अपना काम शुरू करें श्री गणेश करते हुए जो कार्य है आज शुरू किया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं मंत्रालय में और यहाँ पर गणेश जी का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ही अब वो अपने नए कार्य की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्रालय पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हुए शिवराज सिंह चौहान को आप सुन सकते हैं।
तो पुष्प अर्पित करते हुए शिवराज सिंह चौहान गणेश जी को नजर आ रही हैं और गणेश जी की प्रतिमा की पूजा सबसे पहले और फिर काम दूजा, सबसे पहले पूजा उसी चीज को यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हाथ में पुष्प लिए पुष्प अर्पित कर अपनी कुर्सी पर विराजेंगे। कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक अहम मंत्रालय है और इस मंत्रालय का कार्य भारत में खेती और किसानों को बढ़ावा देने के लिए होता है और इन्हें लेकर जरूरी नियम कानून भी बनाना, साथ ही खेती को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाने जैसे कार्य करना है। कृषि मंत्रालय सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि किसानों की जरूरतों का ख्याल रखता है, जिससे न सिर्फ भारत में उगने वाली फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सके बल्कि किसानों को भी सरकार से जरूरी लाभ दिए जा सके। ये अहम मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान का होगा और इसकी जिम्मेदारी वो आज से ही निभा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गणेश जी की पूजा करते हुए शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय कार्य करते हैं जो अलग अलग स्तरों पर किसानों की जरूरतों और उनकी आमदनी का भी ख्याल रखते हैं, जिससे कि फसलों के साथ किसानों का भी विकास हो सके, किसी भी तरह की परेशानी को जो है दूर करते हुए और इसका समाधान निकालना एक अहम जिम्मेदारी है और बहुत ज्यादा अहम विभाग है ये। जेपी नड्डा की तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद है और साथ ही अनुप्रिया पटेल भी आपको दिखाई दे रही होंगी बगल में जेपी नड्डा के। ये बेहद ही खास तस्वीर हो जाती है। जेपी नड्डा जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान पदभार ग्रहण कर रहे हैं और जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज तमाम मंत्री जो हैं आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, आज अपनी जिम्मेदारियों को शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा, अब शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं जो मौजूद हैं और आज भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ ही कई मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्री आज नजर आएंगे। जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाल लिया है, शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रालय पहुंच गए हैं, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान का और स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। और आप ये देखिए तस्वीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाने जाते हैं जेपी नड्डा और अब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी जाना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है इसकी अहम जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही अहम मंत्रालय और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। शिक्षा तो जरूरी होती ही है और साथ ही स्वास्थ्य का भी एक बड़ा रोल होता है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी ली तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं।